दोस्तों YT स्टूडियो में एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है अल्टर्ड कंटेंट। इसका मतलब क्या है, इस पर आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक यस का ऑप्शन दिखता है, नीचे नो का ऑप्शन दिखता है। तो इस पर आपको किस पे सिलेक्ट करना है, यस पे सिलेक्ट करना है कि नो पे सिलेक्ट करना है, सब कुछ क्या करने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल बाय डिटेल दिखाने वाला हूँ। देखो आप YouTube पे रेगुलर काम करते हो तो ये अपडेट भाई जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपके चैनल पर बहुत ही गंभीर समस्या आ सकती है लाइफ में, ठीक है। तो इसको पहले क्या करते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा है, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर कंटेंट, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे लिखा गया है। अब इसको क्या करते हैं, नीचे पढ़ के बताते हैं, उसके बाद आपको क्या करेंगे, हिंदी में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो लिख रहा है, मेक्स ए रियल पर्सन अपीयर टू से आर डू समथिंग डैट दे डिड नॉट से आर डू, ठीक है। अल्टर्ड फुटेज ऑफ रियल इवेंट और प्लेस जनरेटेड ए रियलिस्टिक लुकिंग Since that did not actually occur, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है कि नो सिलेक्ट करना है, इस अपडेट के विषय में सबसे पहले क्या करते हैं आपको बता देते हैं। देखो जैसे यूट्यूब पे जो कंटेंट होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिनका मतलब वो AI से मतलब रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं जैसे रियल फेस वाला वीडियो बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका आपको हिंदी में मतलब समझा देते हैं, ठीक है। तो इसके कहने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई आप अपने वीडियो में AI मतलब यूज करते हो कि नहीं करते हो, पहले उसको बताओ, ठीक है। तो भाई आपको अभी वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि भाई जो आप थंबनेल बनाते हो उसको इन्हेंस करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें AI का ही यूज होता है। बाकी आपका फेस का वीडियो है तो अपना कभी फेस उस गोरा करते हो, ये सब AI का ही होता है, ठीक है। ग्रीन स्किन करते हो ये सब AI का होता है। तो मतलब जिनका फेस वाला चैनल है उनको भी यस सिलेक्ट करना है कि नो सिलेक्ट करना है, इसी चीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि नहीं आप AI का यूज करते हो कि नहीं, पहले इसकी मतलब इसको बताओ, यस आर नो करो। अगर नहीं करोगे तो फ्यूचर में चल के भाई आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो जैसे मेरा जो है, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा फेस वाला वीडियो है, ठीक है। देखो अगर आपका फेस वाला चैनल है, बाकी आप थंबनेल में जो है थोड़ा बहुत यूज कर ले रहे हो AI, और क्या है वीडियो में थोड़ा अपना मतलब फेस इन्हेंस करने के लिए थोड़ा बहुत AI यूज कर ले रहे हो, तो वहाँ तक चलेगा, ठीक है। बाकी अगर जैसे आपका जो कंटेंट है, ठीक है, आपका मतलब जैसे किसी पर्सन का, फेमस पर्सन का वहाँ पे फेस ले ले रहे हो, बाकी आप क्या कर रहे हो उसको ज़बरदस्ती नचवा दे रहे हो या उससे गाना गवा दे रहे हो। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे देख सकते हो मोदी जी का और राहुल गांधी का इन सबका वीडियो कुछ इस प्रकार से AI वाला यूज हुआ था ना। तो अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यस सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब कि हाँ भाई मैं बनाता हूँ AI से रिलेटेड वीडियो, जितना होता है सब मेरे वीडियो में AI वॉइस यूज होता है, AI मतलब फेस यूज होता है। अगर ये सब करते हो तो आपको यस करना है। बाकी अगर आपका थंबनेल में थोड़ा बहुत मतलब जैसे मान के चलो ना फेयर यूज करते हो, AI का थोड़ा बहुत यूज करते हो, तो आपको नो पे सिलेक्ट कर देना। बाकी आपके वीडियो में भाई टोटली मतलब मानो तो 60-70% AI ही होता है, तो आपको यस सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे क्या होगा भाई, यहाँ पे मतलब जो भी आपकी वीडियो ऑडियंस देखेगी, यूट्यूब जिनके पास भेजेगा आपके वीडियो में, पहले ही बता देगा कि नहीं भाई उसमें AI यूज है, ठीक है। तो उनको नोटिफिकेशन पहले ही देगा, क्योंकि भाई आजकल बहुत ज़्यादा ही ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फेस किसी और का है, बोल कोई और रहा है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई इसमें आप रियल सी बात है, आप यूज करते हो कि नहीं करते हो इसको आप बता सकते हो। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।